हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आ न्यू ब्लॉग। तो आज दिन की शुरुआत हो गई है, रूटीन शुरू कर दी है हमने। तो रूटीन में है कि दोपहर के 1 बज गए हैं और मैं ना अभी बच्चे एकेडमी से पढ़ के आए हैं। बच्चे एकेडमी से पढ़ के आन के तो अभी बच्चे पढ़ के हैं एकेडमी से, एकेडमी से पढ़ के आए तो उनके लिए लंच बनाने लगी थी। और लंच में मैं ना अभी इतना, और हाँ मैं आपको ना एक बात बता दूँ, अभी मैं ना लंच बना रही थी तो मैं अंदर गई हूँ। जैसे मैं अंदर गई हूँ ना तो हसन ना नीचे बेड से गड़म करके नीचे गिरा, उसके यहाँ पे चोट लग गई बहुत बुरी तरह, वो रोया। फिर मैंने ना स्किप किया थोड़ी देर के लिए, तो अभी रो रहा था, उसको फीड वगैरह करवाई, चुप वगैरह करवाया, उसको सिरप दिया, उसको पेन का इतना बड़ा यहाँ पे ना उसके बन गया, नील सा पड़ गया। इतना शुक्र है अल्लाह का मैं करती कि वो ना सर फटने से बच गया। अब मुझे पता नहीं है, डर लग रहा है कहीं अंदर ना उसके चोट लग गई हो, बस अल्लाह खैर करे। अभी वो रो रहा था तो उनके बाबा ने बाइक पर बैठा के उनको लेने लेके चले गए चीज़ें। तो अभी मैं ना पराठे बनाने लगी थी, और मैं पराठों में बनाने लगी थी ये वाले ना, मैंने उस दिन बनाए थे ना करेले दाल भर के, तो वो ना ये पड़ी हुई थी हमारे पास, थोड़ा सा सालन, ये करेले पड़े हैं, हमने साइड पे कर दी। जो उनका मैंने मिक्सचर बनाया था ना दाल और करेलों का, वो मैंने ना इसको पीस लिया है डंडे के साथ ही, तो ये मैं रोटियों में लगा दूंगी। तो रोटियाँ यानी कि रोटियों में लगा के इनको दे दूंगी। और इधर मैं ना साथ साथ ये खा रही थी रात वाला बर्गर, रात को इनके बाबा लेके आए थे बर्गर अंडे वाले, तो आधा मैंने रात को खा लिया था, आधा मैंने फ्रिज में रख दिया था, और साथ साथ ये मैं खाई जा रही हूँ और बच्चों को ये बना के देने लगी। ये देखिए, a few moments later तो बाबा आ गए, दरवाजा खोलते हैं जाके और उसकी चोट देखते हैं। पहले इतना रोया, ओए एक हाथ छोड़ के जगों की तरह तक देखो, अब एक हाथ ऐसे छोड़ा है, देख रोशी तो दी तू मुझको ऐशी। हाँ हसन, चोट लगवा के आये, चोट लगी है वो, इसका फेस देखो कैसे बना रहा है, और ज्यादा खाई हो ये खाई, अंदर चला है ऐसी, अब तो बाहर गुजारा नहीं होता इतनी धूप, मैंने अपने बाल ब्रश किए और खा लो। हसन ये देखो इसके यहाँ पे चोट लगी, हसन इधर अपनी चीज की, हसन ये देखो यहाँ पे इसकी चोट लगी है, तो ऐसी नहीं हो रही मम्मा, इतना बुरा गिरा जैसे पटाखा गिरा होता है। दरवाजा कहते हैं बंद, मम्मा ने क्या सी फैन चला, यहाँ पे देखो ठंडी ठंडी है, देखते अभी क्या, देखो ठंडी लगी पकड़ ले फिर भी, हसन कूल, इट्स कूल, इट्स आइस, इसे सीधा करते हैं ना, ऐसे रखते हैं, इसे उल्टा नहीं करते, ले 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 ये यहाँ पर फीडर में चाइस ना पाई। हसन इतनी सी बुरी लगी, इतनी भी नहीं बुरी लगी, बस जब ऐसी चल जाए दरवाजा नहीं बंद होना मेरे, हसन के फीडर में उसे डाल के दो बिना आइस के, देखो अब पंगे ले रहा है। इधर ए दीदू से हाय, जीजू ए जीजू से हाय, इसकी तरह मैं ले रही हूँ, हेलो तभी मामा बता रही है मेरी पराठे खाते हैं, पास हो इतना ज़्यादा धुआं, दाल वाले पराठे तैयार के देखा है ना आपने, कितनी बुरी तरह चोट लगी है सबको, रेड हुआ है, ये सारी खामियां ना इसकी ईमान की और इनके बाबा की है। उस पा गई थी मार्क्स लेने जिसकी वजह से मेरा सर नाम आ गया है, चले हम ना इसको पिला कर देते हैं। दाल क्रिस्पी पराठे हो गए तैयार, दाल वाले ये देखो मजेदार,
hours later. तो अभी मैं बना रही हूँ आलू और चिकन का सालन और रात के खाने में. तो यहाँ पे चावल बन गए हैं और बच्चों ने थोड़े से खा भी लिए हैं. तो ये रात के सालन की भी तैयारी हो रही है अभी. तो तकरीबन 7 बज गए हैं. ये मेरे थोड़े से बर्तन रह गए धोने वाले. इधर देखो हसन मेरा अभी सो रहा है झूले में. ये देखो ये इधर काम हो रहा है. और ये देखो ये बैठी हुई है कल के खाने की तैयारी कर रही है. वो उधर उस पर बैठी है दादू की नमाज पढ़ी मगरिब की है. देखो एज इट कुछ भी नहीं खामोशी. चलो अस्सलाम वालेकुम लो बोलो. मेरे चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो. मेरे बटन लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो. सब्सक्राइब करो. और दुआ क्या कर रही हो? ठीक. कर क्या रही हो तुम? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं मम्मा की शहजादी.